मीडिया वाले जो भी है वो लोग यही बोलते हैं, वो लोग खुश होते हैं, समाचार आते हैं तो खुश होते हैं, मार्केट करेक्शन होता है तो खुश होता है, उन लोगों को सिर्फ दिखाना होता है आपको इन्वेस्ट करना है, आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आप न्यूज़ पे ध्यान नहीं दीजिए, अगर न्यूज़ पे ध्यान देंगे तो यही होगा, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि एडवाइजर चाहिए, एडवाइजर अगर नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। एक मैं बहुत बढ़िया स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड पे आप गौर कीजिएगा कि ये मेरी स्लाइड नहीं है, ये इंडिया की स्लाइड नहीं है, ये गोरो की स्लाइड है, वो गोरो की स्लाइड है, यानी पे यहाँ पे 100 साल पुराना वो मार्केट है, इसलिए मैंने ये स्लाइड लेके रखी है कि यहाँ पे 20 साल का रिटर्न दिखाया गया है, किसका, S&P 500 का 20 साल का रिटर्न, यानी 1999 है तो उसके पहले वाला 20 साल, यहाँ पे 2000 है तो उसके पहले वाला 20 साल, तो आप ये देखिए कि S&P का रिटर्न कितना है, आप ये देखिए S&P का रिटर्न कितना है, और ये रेड वाला जो है वो एवरेज इक्विटी फंड इन्वेस्टर, यानी वो लोग अब बेंचमार्क जितना भी रिटर्न नहीं दे पा रहे, वो लेते भी नहीं है, क्यों नहीं लेते, इन्वेस्टमेंट रिटर्न और इन्वेस्टर रिटर्न दोनों में फर्क आता है, क्या फर्क आता है, यहां पे देखिए ये है इन्वेस्टमेंट रिटर्न और ये है इन्वेस्टर रिटर्न, ये प्रॉब्लम क्या है, यहां पे प्रॉब्लम है बिहेवियरल गैप, और ये बिहेवियरल गैप को पूरा करने के लिए कौन चाहिए आपको, एडवाइजर चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपका। देखिए यहाँ पे ये हमारी स्लाइड है MFIG यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए 1997 से लेके दिसंबर 2017 तक का जो रिटर्न है वो 1000 रुपया किसी ने डाला है तो उसका 50,000 हो गया है, 1000 का 50,000 किसमें, 97 से 2017 कितने साल हुआ, कितना साल हुआ, 20 साल में 1 रुपये का कितना हो गया, 50 रुपया, 50 times, लेकिन ये एवरेज रिटर्न है, हर एक फंड के एवरेज रिटर्न है, म्यूचुअल फंड के हर एक फंड के एवरेज रिटर्न, लेकिन इंडिया के सिर्फ 2% लोगों ने ये रिटर्न कमाया है, ये बहुत खौफनाक चीज है। ये देखिए क्या होता है, एडवाइजर क्यों चाहिए आपको, एडवाइजर इसलिए आपको चाहिए कि वो सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, क्योंकि आदमी अपना ही प्रॉब्लम करता है, आप मैंने बोला था ना, आपने वो किया ना, वो क्या किया आपने, बेईमानी, वो बेईमानी नहीं करनी है, इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने जितने ये मार्केट वहां का है और ये मार्केट में देखिए जितने जितने मार्केट बढ़ा हुआ है, कहीं पे भी आप देखिए बढ़ा हुआ है तो उसके पहले फॉल आया हुआ है, ये 1940 से लेके 2010 का चार्ट है, तो यूएस का ये मार्केट है, आप देखिए जितने भी फॉल आए उसके बाद मार्केट बढ़ा हुआ है, लेकिन मंदी के बाद तेजी, तेजी के बाद मंदी आती ही रहती है, लेकिन गवाद कोई कमाता नहीं है, सब यहाँ पे रख के जाते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सबके पास धैर्य नहीं होता है, पेशेंस नहीं होती है, इसलिए मैं सिर्फ ये छोटी कहानी सुनाना चाहता हूँ, ये कहानी है दुर्योधन की, ये दुर्योधन और युधिष्ठिर की, कि द्युत कीड़ा यानी आपको मालूम है कि वो चौपाट जो खेलते हैं वो, तो उसके अंदर दुर्योधन ने ये नौ भेजा, यानी आमंत्रण दिया, क्या आमंत्रण दिया युधिष्ठिर को, कि तू आ यहाँ पे और क्या कर, ये द्युत कीड़ा में खेल मेरे साथ, क्योंकि दुर्योधन को ऐसा मालूम था कि युधिष्ठिर जो है वो युधिष्ठिर बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, वो अपने आप मानता है और वो है भी, युधिष्ठिर अच्छा खिलाड़ी था द्युत कीड़ा में, राइट। तो उसने अभी उसके पास तीन चीजें हैं, क्या चीजें उनके पास, एक है कि मैं अगर यहाँ पे मैं नौता लेता हूं तो क्यों लेता हूं, मैं जीत जाऊंगा इसलिए कि मैं हार जाऊंगा इसलिए क्यों लूंगा, स्वीकार क्यों करूंगा उसका, क्योंकि मैं जीत जाऊंगा, तो युधिष्ठिर को मालूम था कि मैं जीत जाऊंगा, तो आपको ये ऐसा ही है, आप जब शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यही लगता है, क्या लगता है, आपको यही लगता है कि यहां से बाजार ऊपर जाएगा इसलिए मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो युधिष्ठिर ने यही किया, वो आमंत्रण लिया और वहां पे खेलने के लिए गया, और खेलने के लिए गया तो अभी क्या हुआ, वो हार गया, क्यों हार गया मालूम है क्यों हार गया, क्योंकि उसने एक दाव हारा ना, उसके बाद उसका मेंटल स्ट्रेस आ गया, उसको स्ट्रेस हुआ तो वो ज्यादा खेलने लगा, और ज्यादा खेलने लगा तो वो युधिष्ठिर जो धर्मराज बोलते हैं उसको,
उसको वो कोई वो कुछ भी नहीं अच्छा अच्छा ही कर सकते हैं, वो कोई गुनाह नहीं कर सकता है, और तो भी उसने अपनी बीवी को दाव पे लगाया लगाया हाथ पड़ गए गुजराती में हारियो चुकारी बमणो रमे अने तमे यहां एज करी लाया जो इन्वेस्टमेंट में पण आज वस्तु था है। तो अभी हुआ क्या, ये ऐसा क्यों हुआ, ये महाभारत नहीं बनता, क्यों बना पता है, इसलिए बना क्योंकि युधिष्ठिर अपने एडवाइजर को लेके नहीं गया था, उसने एडवाइजर को बताया नहीं कि मैं खेलने जा रहा हूं यहां पे, और दुर्योधन ने क्या किया पता है, जैसा भी हो कुछ भी हो मेरा एडवाइजर शकुनी है ना, लेके जाता हूं, और शकुनी ने जीता दिया, एडवाइजर चाहिए, एडवाइजर के बगैर नहीं हो पाएगा आपका काम, इमोशन पे कंट्रोल नहीं होगा। और इसी एक दूसरी चीज है उसमें भी है, नारायणी सेना और नारायणा, तो आपको भी मालूम है वो कि ये श्री कृष्ण के पास पहले अर्जुन पहुंच जाता है और उसके बाद दुर्योधन जाता है, दुर्योधन ने बोला अरे व्हेन डिड यू कम, तो बोला मैं तो था ही, तो अर्जुन वो दुर्योधन ऐसे ही मनोमन प्रार्थना करता है कि यार ये अर्जुन जो है वो नारायणी सेना नहीं ले, क्योंकि नारायणी सेना कभी जीत कभी हारी नहीं थी, कभी हारी नहीं थी, तो मुझे नारायणी सेना चाहिए, दुर्योधन ऐसा बोल रहा था। और अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने सिलेक्शन किया नारायण का, वो निहत्ता था, नारायणी सेना नहीं थी उसके पास, कुछ भी नहीं था, तो भी उसने सिलेक्शन क्या किया, तो नारायण का किया, नारायणी सेना का नहीं किया। यहाँ पे आप कुछ भी आपके पास पोर्टफोलियो हो जाए, आपके पास चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो जाए, आपके पास कोई भी स्टॉक हो जाए, आपके पास कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पास अगर एडवाइजर नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट में मुनाफा नहीं मिलेगा। कैसे, मैं एक बात उसमें मैं ये बताता हूँ कि अर्जुन जब भीष्म पितामह से लड़ने लगा तो उसने हथियार रख दिए, जब हथियार रख दिया उसने तो किसने समझाया, किसने समझाया, एडवाइजर ने समझाया, क्या समझाया, उसको मारना है, वो ये अधर्म का साथ दे रहा है इसलिए मारना है। तो यही पे यही चीज है कि जब आप अटक जाते हो, आप 3-5 साल तक रिटर्न नहीं मिलता है म्यूचुअल फंड में, तो एडवाइजर ही आके बोलता है आपको कि रिटर्न मिलेगा, एक दिन मिलेगा, यही चीज है, बाकी कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Please read offer documents carefully before investment.